हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो एससी कास्ट के लोग होते हैं वो कैसे नीट में सिलेक्शन लें, उनको कैसे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिले, क्योंकि जो उनका कट ऑफ है काफी लो जाता है। जनरल ओबीसी के तुलना में कट ऑफ लो जाता है, लगभग 100-150 नंबर तक तो फर्क होता है। देखो, वही एससी वालों को 460 पे मिल जाता है और जनरल वालों को 606 पे मिलता है, 4 पे मिलता है, इस तरह से कट ऑफ जाता है। अगर बात करें तो एससी कास्ट वालों का जो सेफ मार्क्स कितने हैं, कितने नंबर पे उनको एमबीबीएस मिल जाएगा, क्या क्या प्लानिंग करके उनको तैयारी करनी चाहिए, कितने कितने क्वेश्चन जो है उनको कितने क्वेश्चन उनको अटेम्प्ट करना चाहिए कि जो हमारे जो मिनिमम मार्क्स हैं कि उतने हमारे आ जाए कि उतने हमारे सिलेक्शन हो जाए। बाकी आपके ज्यादा नंबर आए तो अच्छी बात है, पर हमें जो एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो हमको एक मिनिमम मार्क्स चाहिए वो कितने चाहिए और कैसे कैसे हम तैयारी करें, आज इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कितने क्वेश्चन की नीड है हमको गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस मिलने के लिए। तो दोस्तों, जो नीट में टोटल क्वेश्चन आते हैं वो 200 आते हैं, पर उसमें करने पर कितने होते हैं, सिर्फ 180 क्वेश्चन करने होते हैं। 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा देते हैं। टोटल मार्क होता है 720 नंबर का होता है, 720 नंबर का टोटल मार्क्स होता है, पर क्वेश्चन कितने करने हैं, 180 क्वेश्चन करने हैं टोटल क्वेश्चन में। और जो इसमें क्वेश्चन आते हैं, जूलॉजी के 50 क्वेश्चन आते हैं, बॉटनी के 50 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पूरे 200 क्वेश्चन हो गए। हर सब्जेक्ट में 5-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, शायद इस बार ना दिए जाएँ, किंतु हमको अपने सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए, 500 चाहिए। 500 प्लस हो पर कम ना हो, इससे कम ना हो, तो हम कितना एवरेज लेके चले कि हमको इस सब्जेक्ट में हमको इतने क्वेश्चन ही करने हैं चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, तो उस एवरेज मान के चलना है, उसी एवरेज पे आपको पढ़ाई करना है। उससे ज़्यादा हो, अगर तुमको 500 नंबर का मान के चलना है तो तुमको 550 नंबर पक्का गेन करने पड़ेंगे। 550 अगर तुम मान के चलोगे तब तुम्हारे 500 नंबर आएंगे। तो चलिए जूलॉजी बोटनी की बात करते हैं। अगर जूलॉजी में हम 40 क्वेश्चन करते हैं और बोटनी में 35 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जो जूलॉजी है थोड़ा इजी नहीं होती, टफ होती, फिर भी थोड़ी बहुत इजी होती है, तो 75 क्वेश्चन हमको बायोलॉजी में पूरा मान के चलना है कि 75 क्वेश्चन करना है। 15 क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं कि ठीक 15 क्वेश्चन हम छोड़ दें, पर 75 क्वेश्चन एक एन एवरेज है कि नहीं, इतने क्वेश्चन हमको करना ही है। अगर तुम बायोलॉजी में इतना नहीं कर सकते तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर हम केमिस्ट्री फिजिक्स की बात करते हैं। देख, केमिस्ट्री तो थोड़ा बहुत इजी होती है, इजी नहीं होती, फिर भी थोड़ी बहुत इजी होती है, तो केमिस्ट्री में कम से कम हम 30 क्वेश्चन लेंगे। केमिस्ट्री में कम से कम हम 30 क्वेश्चन लेंगे, 30 क्वेश्चन तुमको केमिस्ट्री में करना ही करना है, और उससे ज़्यादा हो जाए तो बेटर है, पर 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री की ओर छोड़ रहे हैं कि ठीक है हमसे 15 क्वेश्चन से नहीं मिलना, क्योंकि हमको सिर्फ एक एमबीबीएस गवर्नमेंट की सीट चाहिए, ठीक है। अगर टॉप चाहिए तो आपको बढ़ाकर भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स तो काफ़ी टफ होती है, फिजिक्स में कम से कम तुमको एक एन एवरेज मान के चलना, हमको 20 क्वेश्चन करने हैं फिजिक्स में, एक एन एवरेज मान के चलना है, क्योंकि 20 क्वेश्चन करने हैं, 20 से कम ना हो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इतना एक एवरेज मान के चलोगे तब आपके लिए प्रॉफिट होगा, आपके लिए बेटर होगा कि 40 जूलॉजी में, बॉटनी में 35, केमिस्ट्री में 30, फिजिक्स में 20, पूरे कितने हो गए आपके जो टोटल क्वेश्चन हो गए, कितने हो गए, लगभग 125 क्वेश्चन हो गए, टोटल 125 क्वेश्चन हो गए, यानी कि जो आपके नंबर हो गए 500 प्लस हो गए, जो आपका नंबर हो गया 500 प्लस हो गया। देखो यार, इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो आपको करना पड़ेगा, इतना नहीं करोगे तो कैसे होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको 500 नंबर लाना है तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बात रहे जूलॉजी और बॉटनी की, जूलॉजी बॉटनी तो आप थोड़ा निकालोगे, तो बायोलॉजी थ्योरिकल क्वेश्चन होता है, पेवर एनसीईआरटी पढ़िए, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री में इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे लाइन टू लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे, लगभग 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे ही आ जाते हैं केमिस्ट्री के। और फिजिक्स की 20 क्वेश्चन तो कर लोगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन फिजिक्स में जो होता है, जो माने कि 50% मीडियम आता है और 25% टफ आता है, 25% ईजी आता है, तो ईजी वाले 25% तो कर ही लोगे, और 50% जो मीडियम आता है उसमें से अगर 25% कर लोगे तो आपका तो एवरेज बन जाएगा। अगर आप छोड़ भी रहे हो, हटाओ, हम टफ नहीं करेंगे, जो टफ क्वेश्चन आता नहीं करेंगे, तो अगर आप इतना मान के चलते हैं तो आपको एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिल जाएगी,